हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आपका जेरोक्स की दुकान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैनन का जो IR 3300 मॉडल का मशीन होता है उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, या फिर कोई भी बड़ा जेरोक्स मशीन जो होता है, बड़ा वाला जो डबल ट्रे का मशीन होता है उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप मोटा मोटी आपको अंदाज़ा एक हो जाएगा कि कोई भी बड़ा जेरोक्स मशीन हम कैसे चलाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा कैनन का जो 3300 मॉडल का मशीन देख लीजिए। ये हमारा 220 वोल्ट का मशीन है। इसमें एक तो 110 वोल्ट का आता है जिसके लिए आपको स्टेबलाइजर या कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मशीन को एक बार ऑन करते हैं। हमारा मशीन ऑन है, स्लिप किया हुआ है तो ऑन। तो दोस्तों, ये मशीन का फ्रंट पैनल है, ये हमारा। इसमें दोस्तों हम लोग का सेटिंग किया हुआ है, ये फिनिश पहले इस अब सेटिंग का जो हम लोग का फ्रंट पैनल है उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं आपको। दोस्तों, ये हमारा फिनिशर है। फिनिशर का काम ये जो ABC लिखा हुआ है, जैसे हम कोई भी चीज़, मतलब कि कोई 10 पेज का बुक करते हैं जेरोक्स, तो वो हमको 5 सेट करना है, तो इसको कॉलेट करके रख देंगे तो एक बार में 10, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10, ऐसे करके प्रिंट आउट निकले। उसके बाद ये जो ऑप्शन दोबारा है, ये डबल है, मतलब कि अगर जो 10 पेज का जेरोक्स करते हैं 5 सेट, तो एक नंबर पेज 5 बार, फिर 2 नंबर पेज 5 बार, फिर 3 नंबर पेज 5 बार। ठीक है, तो हमको अगर जो सेट करके करना है, जैसे 10 का सेट है, एक बार में 1 आ जाए, तो ये हम लोग को ABC ये वाला कॉलेट करना होगा। ठीक है, तो कॉलेट के बारे में ये हो गया। इसको ऑफ करने के लिए यहीं जाएंगे, कॉलेट कैंसिल कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है हम लोग का टू साइड, ये डबल साइड, बोथ साइड करने के लिए इसको ऑन करेंगे। ओके, ऑन हो गया बोथ साइड। ऑफ करने के लिए वहीं क्लिक करके कैंसिल कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पेपर सेलेक्ट करेंगे आपका, ये फ्री साइज, ये बाईपास ट्रे। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर ट्रे और ये 2 नंबर ट्रे। फिलहाल मेरे 1 नंबर ट्रे में पर इसको डन करते हैं। ठीक है, ये है आईडी कार्ड आपको केवल आईडी कार्ड में क्लिक कर देने से आईडी कार्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, रिसेट कर देंगे, आईडी कार्ड ख़त्म हो जाएगा। फिर ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड मेरा, ये स्पेशल फीचर है, सब सेट करना होगा। सेट करने कैसे सेट करना होगा ये हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस मशीन का। ठीक है, रिसेट कर देंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जैसे कि आप फिनिशर में लगा लिए, सेटिंग कर लिए डुप्लेक्स का। ठीक है, 25 पेज मार दिए इधर में। अब आपको कैंसिल करना 25 नहीं 20 करना है, तो आप रीसेट नहीं करेंगे, रीसेट करने से पूरा सेटिंग समेत उड़ जाएगा। ठीक है, तो रीसेट नहीं करेंगे, रीसेट आप देखिए, फिर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेंसिटी है, इसको घटाने के लिए लाइट करेंगे, बढ़ाने के लिए डार्क करेंगे। तो नॉर्मली देखिए 3300 मशीन अच्छा ही प्रिंट देता है, ये बहुत बढ़िया प्रिंट होता है इसका, तो हम लोग लाइट करके रखते हैं कि प्रिंट थोड़ा बढ़िया है, ज़्यादा करते हैं इसे डार्क हो जाएगा प्रिंट। लाइट कर लिया, अब मान लीजिए 25 है, कस्टमर बोला नहीं 25 नहीं 20, आपको सुनने में भूल हो जाए, मतलब कोई भी अगर जब भूल हो जाए 25 पेज हो गया, फिर आपने नहीं 20 करना है या 27 करना, तो वाला कैंसिल का बटन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद कैंसिल करने से क्या होगा कि सेटिंग सब रहेगा आपका, केवल ये नंबर ऑफ पेज जितना कॉपी करना है वो उड़ जाएगा, उसके बाद से आपको कितना भी कॉपी करना हो कर लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जेरोक्स करके दिखाते हैं आपको कुछ। ठीक है, सिंगल साइड है हमारा, सिंगल साइड मैटर है, इसको जेरोक्स करेंगे। Thank you.
करने के बाद डेंसिटी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये सिंगल साइड है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट करेंगे। बढ़िया प्रिंट है, तो चलिए दोस्तों आप बोथ साइड जीरोक्स करते हैं। ये ठीक है, डेंसिटी को सेट कर लेंगे माइनस। ये वाला है, ये टू साइड, इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग का टू साइड मैटर है, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे, ढाला उठाएंगे, फिर इसको से दोस्तों इसको ऐसे पुट करेंगे, इसके बाद इधर में स्टार्ट, ठीक है। ये इस कहाँ पे लिख रहा है स्कैनिंग, उसके बाद लिखेगा रेडी टू स्कैन, चेंज द ओरिजिनल एंड प्रेस द स्टार्ट, ठीक है। अभी हम इसको उठाएंगे फिर से, इसको हम ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऐसे ये था, इसको एकदम ऐसे पलटेंगे तभी हमारा, अगर जो पलटने में भूल हो जाएगा तो फिर जेरोक्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पलट के इसको रखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कैनिंग दे रहा, ठीक है। अब हमारा स्कैन हो गया, एक ही पेज है, अगर जो ज़्यादा पेज होता फिर दूसरा पेज लगाते, फिर सिंगल एक तरफ रख के स्कैन करते, फिर दूसरा तरफ स्कैन करते, स्टार्ट टिप करके हमारा ये वाला स्कैन हो गया पेज। हम इसको करेंगे डन, डन करेंगे। अब मेरा प्रिंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। प्रिंट हो गया हम लोग का, ये डुप्लेक्स। दोस्तों हम आपको आईडी कार्ड जेरोक्स करके दिखाते हैं। आईडी कार्ड जेरोक्स करने के लिए हम आईडी कार्ड ऑन करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी अपना एडजस्ट कर लेंगे, हम माइनस दो पे रखें, ठीक है। ये हम अपना ये डाला, ठीक है। ये हमारा कार्ड है, ठीक है। इसको हम ऐसे पुट करेंगे एकदम बीच में, जो ए फोर साइज का है ना, ए फोर साइज लिखा हुआ है इसका, एकदम बीच में पुट करेंगे ऐसे ही। उसके बाद इसको डाला बंद करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा रेडी टू स्कैन, चेंज द ओरिजिनल एंड प्रेस द स्टार्ट की। फिर हम इसको उठाएंगे अपना आराम से, उसके बाद इसको चेंज करेंगे फिर से, एकदम सेम जगह पे ही रख देंगे पलट के। हमारा ये वाला कार्ड ऐसे था, इसको डायरेक्ट इसको ऐसे पलट के रख देना है, ठीक है। सेम जगह पे रहेगा। फिर इसको डाउन करेंगे, फिर अपना स्टार्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। स्कैनिंग यहाँ पे लेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्कैन हो गया, इसमें भी सेम केस है, वो डुप्लेक्स वाला पहले वाला। अगर जो आपका और आईडी कार्ड है तो उसको स्कैन कीजिए, उसके बाद एक बार में ही डन कर दीजिएगा। तो अब मेरा एक ही आईडी कार्ड है, तो हम स्कैन हो गया, उसके बाद इसको यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिंट आउट है आईडी कार्ड का, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ का, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हमारा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।